अम्मा कहे को आई हो यहाँ पे है? क्या करने आई हो यहाँ? समोसा खान आई हो अम्मा? अभी आपको करना पड़ेगी परीक्षा, लिख के देना पड़ेगा आपको। अच्छा। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, हैव अ नाइस डे, वेलकम बैक टू आवर चैनल शमा मंजम व्लॉग। और गाइस, आज जैसे कि है संडे और फिर भी हम जा रहे हैं स्कूल, क्योंकि आज है निरक्षर लोगों की परीक्षा है वहाँ पर, तो उनका सेंटर है बना दिया गया हमारे स्कूल को, तो उनकी परीक्षा वगैरह कराना है, इसलिए हम लोगों को तो चैन ही नहीं है। संडे में भी यार, संडे में बहुत काम हो जाता है, और घर में पता है गाइस आज काम वाली भी नहीं आई, तो सारा काम भी निपटाना है। कल भी नहीं आई थी, वो भी बीमार हो गई, तो संडे में और ज्यादा काम बढ़ गया। फिर भी अब जाना तो है ही है, तो हम लोग चल दिए, और आज जो रास्ता भी दूसरी बदल दी, फाटा होके जा रहे हैं, क्योंकि उधर बहुत सारे गड्ढे हैं। गुड मॉर्निंग कर लो जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे साथ साथ इनकी भी ड्यूटी लग गई छोड़ने के चक्कर में, ये घर में आराम से बैठ के अपना काम करते, और भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन हम लोग का यही रहता है, कुछ ना कुछ ऐसे ऑर्डर टप्पे से टपक जाता है, और उसको फिर करना पड़ता है पूरा। और संडे में कहीं भी जाना में अच्छा नहीं लगता है, बस ये लगता है पूरे दिन रिलैक्स करें, आराम से रहें, और वही पूरा रूटीन सुबह से बस चाय नाश्ता खाना वाना सब बना के आ गए हैं, और फिर अब जाने के बाद फिर हम झाड़ू बर्तन करेंगे क्योंकि सुबह से में तो इसी में लग गया, और बस ऑर्डर इनके लिए आता है, लागू हम पे भी होता है, इनका भी लगा रहता है, तो उधर से ट्रेनिंग कहीं कुछ वो, तो उसमें हम भी तो शामिल होते हैं, जब ट्रेनिंग करके आते हैं तो हम इनका वेट करते हैं, हम नहीं करते आपका वेट इंतजार इतनी देर तक, ट्रेनिंग उस दिन इनकी थी तो हम बैठे रहे स्कूल में। अब वो तो है भाई, जब बंदे हैं एक दूसरे से, डोर बंद गई तो, लेकिन छुट्टी में तो जाना पड़ जाता। हाँ, छुट्टी में जाना पड़ जाता, अब हम कैसे जाएं, हमें आदत नहीं रही है कि हम जाएं फिर ऑटो से जाएं इधर से उधर लदे फदे, आदत पड़ गई। आदतें तो बिगाड़ दी हमने, इन्होंने बिगाड़ दी आदतें। चाहिए गाइस दिखाएं, हम देखें सामने से रोड की वाली बढ़िया है, पहुंचते हैं तो देखते हैं, हम दिखाएंगे आपको कैसे बूढ़े बूढ़े लोग आके परीक्षा। गड्ढे दोची से होती है हमारी गाड़ी हिलती हुई, मौसम देखो क्लाउडी क्लाउडी सा, पहले हम लोग इसी रोड से जाते थे, यहाँ पे भी खूब कॉलोनी डेवलप हो गई है, तारे नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं इस रोड पर गाड़ी। किसके? आपके गाड़ी के पानी भरा देखो प्लाटों में, यहाँ पे हमारे भी हो जाते हैं, आपके भी हो जाते, हिलते रहते हैं हम लोग, टक 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 टक। जिधर शॉर्टकट पड़ जाता है थोड़ा सा उनका बाग है, और ये बहुत अच्छा लगता है, इसमें कभी जाने का मेरा मन है हमेशा से, निकलते ये देखो कितने सारे पेड़ लगे, और जो पता नहीं क्यों अच्छा सा लगता है देखने में, बहुत सारे इधर पेड़ लगे हुए, और ऐसे जाके बैठे सुकून में, हमें हरियाली और गार्डन वगैरह बहुत पसंद है, टाइम हमने लोग छाया में बैठे अच्छा लगे। ये रोड ना ज़्यादा चलती नहीं है, और लोगों ने ऐसी खोल रखी है, ऐसी गाँव में सब लोग बैठे रहते हैं, देखो पूरी पूरी दुकान है, चलती है बिल्कुल। अभी ये भी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, था क्या बन रहा है, था नया बन रहा है इधर का माया है, कॉलेज ही लग रहा, गेट वेट तो हाँ इधर से कम आते तो पता नहीं, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये तो महाविद्यालय है, डिग्री कॉलेज है ये हम लोग का प्राइमरी स्कूल है खादर का। चलो बच्चा पार्टी कहाँ जा रही जी, ये देखो कहाँ चल रही, नहीं यहाँ एक्शन चल रहा, आज इतना नहर में पानी नहीं है, ये पुल बन रहा है, इसमें हाँ क्रॉस करेंगे, पुल से काम चल रहा है लगातार। और ये आ गई सब्जी मंडी की दुकान, तिराहा है ये, आ गए स्कूल हम, खुला हुआ है, ये देखो बच्चे खड़े हुए हैं यहाँ पे, देखो हमारी जो आ गई है महिलाएं लोग, और ये देखो परीक्षा चल रही है। अरे वाह, क्या भैया परीक्षा देने आई हूँ, पेपर वेपर शुरू हो गया, कितने लोग बैठे हुए देखो ये देखो जो अम्मा निरक्षर आएंगी जो पढ़ाई करने आई है, लिखो तो लो किताब, कॉपी मिलेगी किताब में, कितने अच्छा लग रहा है देखो, जो सब लोग लिख के दिखाएंगे हम आपको भी दिखाएंगे, जब लोग परीक्षा देंगे पूरी दुनिया में घूमे हो तुम, देखो जो बहुत सारी महिलाएं आ गई है, लेकिन हमने कहा क्या करें हम शुरू करते हैं, ये देखो तैयारी हो रही है फॉर्म भर, इन लोगों के ये फॉर्म भर रही है हमारे शहर में, हम लोग कुछ ये नया ही आ गया है, पहले भी होता था इस तरह का, इन लोगों को खुद दो, ये लोग खुद पढ़ी लिखी है, भरेंगी अपना फॉर्म खुद। अम्मा कहे को आई हो यहाँ पे है? क्या करने आई हो यहाँ? समोसा खान आई हो
अम्मा अभी आपको करना पड़ेगी परीक्षा, लिख के देना पड़ेगा आपको। अच्छा तरह का क्वेश्चन पेपर आया है, इनको मिलाना है लाइने जो पढ़ के, तो आप मिलाओ उसमें जो क्या दिख रहा है, जो गुब्बारे से हाँ ऐसे मिला दो, ऐसे करके ऐसे जो जो दिख रहा है तो इस तरह से मिला रहे हैं इनको, इस तरह से कुछ मिला क्वेश्चन पेपर आया है, इनको इनको समझ लेंगे पत्ता है ठीक ठीक ऐसे करके इस तरह से जा मिला। करो अम्मा इसमें देखो जो पत्ता लिखा है इसको इससे मिलाओ, देखो जो चीज बनी है चित्र से मिला दो इसमें, यहाँ पे केले कहाँ दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं हाँ, तो इससे मिला दो जो चीज है वो इसे मिला दो। हाँ अभी दे रहे आप लोगों को ध्यान है आपने कब परीक्षा दी थी, बचपन में दी होगी है, आज देखो आज परीक्षा देना पड़ रही, तो कैसा लग रहा आप लोगों को परीक्षा देते हुए, अच्छा लग रहा, मजा आ रहा ना, ऐसे बच्चे आते हैं पढ़ाई करने और फिर देखो परीक्षा देते हैं, आप लोग भी घर पे बच्चों के साथ पढ़ते हो गए हैं, बिल्कुल बचपना याद आ गया होगा आप लोगों को, ये देखो कितनी अच्छी तरह से परीक्षा दी, देखो सारी इन्होंने मिला ली है बहुत अच्छे तरीके से, ये देखो इनका चल रहा है, अम्मा कह रही क्या बनना है बता दो तो इनको बताया गया, अब ये इस तरह से परीक्षा देते हुए। अच्छा अम्मा इससे पहले आपने कब परीक्षा दी थी, इससे पहले कभी परीक्षा दी थी आपने, कबाऊ नहीं दी हमने, कबाऊ नहीं दी, कबाऊ नहीं दी, बचपन में भी नहीं दी, बचपन में का, तो आज को जो आज हमने एक्सपीरियंस करा दिया परीक्षा देने का, देखो हमारे बच्चे भी शोर करते हैं, यहाँ पे भी बहुत शोर हो रहा है, बड़े लोग भी बहुत क्लास जैसी फीलिंग है, ये देखो अम्मा ने तो सब पहचान लिया, बहुत अच्छी परीक्षा करी करने आपने भी, बहुत अच्छा बहुत अच्छी, इनको बहुत मजा आ रहा है अम्मा को, चलो आगे आगे करेंगे अम्मा, चेकिंग भी आ गई है, तो ये किस तरह से परीक्षा हो रही है, और परीक्षा अच्छे से चलती हुई, सभी लोग बहुत मजे ले रहे हैं परीक्षा करने में, और बहुत सरल है, हाँ बहुत सरल है, इन लोगों को एक्सपीरियंस दिया जा रहा है कि बचपन में कभी परीक्षा दी होगी तो अभी इनकी परीक्षा चल रही है, बहुत मजा आ रहा है इन लोगों को देने में, सब मुस्कुरा रहे हैं, सबके चेहरे पे बहुत ज्यादा हंसी है, देख अच्छा लग रहा ना आपको, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमेशा कोई चूल्हा चक्री बच्चे पालना, आज परीक्षा दे के कितना अच्छा लग रहा है, हाँ बहुत अच्छा है, खुश है लोग, खुश है आप लोग, हिंदी भी पढ़े लिखे होने लगेगी आज के बाद, और ये जो लोग आगे अगले महीने फिर कराएंगे आगे भविष्य में, तो आप एक गाँव को अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें सर्टिफिकेट नहीं है पढ़ाई मुकम्मल की, ये कुछ लोग काम करते हैं, रेडी के काम करते हैं या और सब्जी के काम करते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं, जरूरत होती है कभी कभी बैंक जाते हैं लोन लेने के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास क्या है सर्टिफिकेट पढ़े लिखे तो, ये उन लोगों को बता दीजिए आगे भविष्य में अपना इस परीक्षा में शामिल हो जाए, और हमारे टीचर लोग उसमें कराएंगे आपको, दिन में रोज ये घंटे लगाओ करना, दिन में तो नहीं लेकिन हफ्ते में क्लास लगवा, ये अच्छी डिमांड थी इन लोगों का माने पढ़ने का कि दिन में, ये भारत सरकार का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, भारत सरकार का यहाँ नाश्ता पानी का इंतजाम कराया गया, सारे परीक्षार्थियों को दिया जा रहा है, दे दिया क्या, हाँ दे दिया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, देखा परीक्षा देने का कितना अच्छा है, क्या मिल गया, समोसा खाओ और परीक्षा दो। अम्मा आप आई थी, आप कह रही थी काहे के लिए आए, समोसा खान तो देखो समोसा मिल गया, तो खा के बताओ कैसा है, और क्या पेपर होएगा, अब तो लिया देखो खत्म, बढ़िया देखो सबके चेहरे पे मुस्कुराहट, जे सबसे ज्यादा पेपर लास्ट में करा कर लगी है, समोसा खाओ मजे ले करो, देखो आज सब लोग कितने खुश हैं, देखो इनका ये पूरा पेपर करा के मानेंगे, ये देखो मैडम नकल करा रही शायद आपको, है बता रही सहयोग कर रही, सीखो सीखो, अब आपको सर्टिफिकेट मिलेगी, अम्मा को बनाने में थोड़ी दिक्कत,
बता रही है। बाकी कुछ लोगों ने बहुत अच्छा पेपर किया है, बैठे हुए बहुत अच्छे, इसमें परीक्षार्थी बहुत अच्छे भी हैं, इनके पेपर बहुत अच्छे हुए, काफ़ी लेंथी दे दिया पेपर। चलो थोड़ा सा बताते हुए, चलो आप लोग समोसे का एंजॉय करो, समोसे खाओ, मजे करो। अम्मा आप तो समोसा खा लो, समोसा खा लो, पेपर की चिंता मत करो, समोसा खाओ ठंडा हो जाएगा, बाद में करना पेपर। तो इनका पेपर बहुत अच्छा है, ये कह रही कुछ भूल जाते हैं, ये लिखा है वैसे बात है। आप बच्चों से मदद लिया करो, वो पढ़ाएंगे बच्चे आपको घर पे। पहले हम कक्षा 5 तक बच्चों को खूब पढ़ाए ले, अब नहीं पढ़ा पाते, अब नहीं पढ़ा पाती, बिजी रहती ना, बिजी रहती। और नहीं वो चीज हमें हाथ भाई नहीं आए, और 2 घंटा में पढ़ रहा था, हमें हाथ दी जाता ऐसे हो जाता है, आप लोगों के ऊपर काम बहुत ज्यादा, जब मान लो पागल नहीं भाई। अच्छा चलो पढ़ाई पे ध्यान दो, अब तो दीदी कुछ करना नहीं, इसमें क्या करना, इसमें बताते हैं। आज हमारा NILP नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के एग्जाम था आपके स्कूल में जी, UPS चितवन, बहुत अच्छा लगा, सभी स्टाफ हमारा बहुत ही सराहनीय काम किया है, और सारे जो भी परीक्षार्थी शामिल हुए हैं बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा एग्जाम हो रहा है, थैंक यू। तो ये सब हमारा स्टाफ ने सबके साथ फोटो खिंचाया, और ये इस तरह से हमारी परीक्षा संपन्न हुई, और अंदर भी बहुत लोग खुश है, समोसा पा के खासतौर से बहुत खुश है परीक्षा दे के ही। भाई हमारी प्रीति मैम को देखो कितनी प्रॉब्लम हो गई, बेचारी को बुखार भी आ गया, ये गाल में भी प्रॉब्लम हो गई, लेकिन फिर भी ड्यूटी कर रही है। ये है हमारी टीचर्स की कहानी, संडे भी गया और बीमार भी हो गए बेचारे जाके, और मिलिए इनसे, हाय सब लोग लाइक एंड फॉलो जरूर करें, थैंक यू। ये आ गया मेरा समोसा, हमें भी मिल गया समोसा, समोसा हमारी चाय कहाँ गई, चाय कहाँ गई। देखो हम लोग की पार्टी हो रही है, पार्टी चल रही है, शिवानी मैम की पार्टी सुनाई चली गई। तो हम लोग आ गए परीक्षा करा के अपने घर, जल्दी फुर्सत हो गई परीक्षा, आप देखते हैं शाम का। हाँ हमारे तो काम वाली नहीं है, तभी मैं फिर काम में लगना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, फिर भी हंसते रहते हैं, देखा काम करते रहते हंसते रहते हैं। और आ गए अपने घर वापस, चलो चलते हैं घर वापस। खोलो खोलो जी, आ गए हम, अस्सलाम वालेकुम। चुप क्या। तो गाइस हम आ गए घर पे, और फिर हमें कमर कसनी है काम करने के लिए। हाँ देखो ये देखो मेरी बर्तन पड़ा हुआ है, सब साफ सफाई करनी है। कुछ कहना चाहेंगे आप, कुछ नहीं, पढ़ाई हो रही थी। हाँ क्षितिज तो है, अच्छा रख रखिए इसमें, देखो आपको दिखाएं कितने किस कहाँ पे घुसे रहते हैं, ये देखो पर्दे के पीछे है मेरे इसनो, कहाँ घुसे लेटे कैसे इसनो, हम आदर बाबू है, बड़े अफसोस में लग रही है इसनो, क्यों अंधेरे में हम तुम्हें क्या दिखाएं, कुछ सोच में आओ, सपने देख रहे क्या किसी बिल्ली मौसी के, बुरी बात नहीं आ रही है। तो ये छोटा सा ब्लॉग बनाने की कोशिश करिए, हम लग रहे हैं अपने काम में, कपड़े वपड़े चेंज करके, और थोड़ा सा और भी स्किन केयर करना था, तो क्या कर सकते हैं पता नहीं, संडे तो ऐसे ही निकल जाता, कपड़े भी धुलना है, बहुत सारे काम है हमें, हम सब कामों में लगते हैं। और ये हम ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, क्योंकि आज ही इसको कर देंगे एडिटिंग, फिर से कल से स्कूल है, तो फिर टाइम नहीं मिलता है, थोड़ा थक जाते हैं क्योंकि काम बढ़ गया है, पता नहीं काम वाली कब तक आएगी। तो हमारा ये ब्लॉग कैसा रहे लगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और बने रहे हमारे साथ।